Hello everyone, I'm on this side, your yoga and fitness trainer. Hope you all are doing that's great. Toward today's topic. आज हम लोग कवर करने वाले हैं वो टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, फिटनेस से रिलेटेड है एंड फिटनेस इंडस्ट्री का स्कैम है क्या? फिटनेस इंडस्ट्री एक स्कैम है आज के डेट में, जो हेल्थ केयर प्रोफेशन के बाद जो सेकंड इंडस्ट्री ग्रूम कर रही है वो फिटनेस इंडस्ट्री के लिए. किसी की जरूरत ही नहीं है, यू कैन बी फिट बाय योरसेल्फ. इस वीडियो में हम लोग बेसिक क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं, के ऊपर ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉपर नॉलेज पीपल जस्ट हैव अ मिथ अबाउट देम, सो वील कंसीडर दोज क्वेश्चंस. सो नाउ लेट्स गेट स्टार्ट. अगर आप इस चैनल पे नए हो तो डू सब्सक्राइब नाउ. और ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है. डू एवरीवन नीड फिटनेस ट्रेनर और डाइट प्लान, स्पेसिफिक डाइट प्लान टू स्टे फिट एंड टू गेट रिजल्ट्स फ्रॉम देयर रूटीन वर्कआउट? ये मेन क्वेश्चन है. ठीक है, सबको जरूरत होती है फिटनेस ट्रेनर की और डाइट प्लान की, जो कि अगर आप खुद फिजिकली एक्टिव हो, खुद ही एक्सरसाइज कर सकते हो, तो आपको किसी भी डाइट प्लान की जरूरत नहीं है, आपको किसी भी फिटनेस ट्रेनर की जरूरत नहीं है. क्वेश्चन अपने आप में ही आंसर है. आप लोगों को नहीं लगता कि क्वेश्चन अपने आप में ही आंसर है, लेकिन उन लोगों के लिए जो एक्टिव है, I am active, I am eating healthy and I am doing my exercise daily. Do I ever need a trainer? No. If I am having good knowledge of, and instead of having a knowledge, you must have courage to apply them. People knew everything but they can't apply that knowledge to themselves. They हमारे इंडिया में आता था ज्ञान को बांटो, लेकिन जब खुद की बारी आती है तो कोई भी उस ज्ञान को लेना नहीं चाहता है. यही सबसे बड़ा रीज़न है कि अगर आप ऐसे इंसान हो जो खुद को खुद ही फिट रख सकते हो, अपनी डाइट को, अपने लाइफ गोल को हेल्दी रहने के हिसाब से खा सकते हो, देन यू डोंट नीड एनी ट्रेनर, यू डोंट नीड एनी डाइट प्लान. लेकिन दूसरी कैटेगरी के लोग वो लोग होते हैं, या तो ड्यू टू लैक ऑफ टाइम, ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस, या फिर खुद के प्रायोरिटी वो खुद होते नहीं है. ही पुटिंग योरसेल्फ इन द लास्ट टास्क, दैट्स द मेन थिंग, राइट? सो सेम थिंग, फिटनेस इंडस्ट्री और ट्रेनर की जरूरत उन लोगों को होती है, दोस कांट हेल्प देमसेल्फ, जिन लोगों को रूटीन इतनी बिजी हो चुकी है कि दे डोंट नो हाउ टू स्टार्ट, हाउ टू गेट रिजल्ट फ्रॉम समथिंग. हर एक इंसान को फिटनेस ट्रेनर की जरूरत नहीं होती है. बट आपने एक चीज़ देखी होगी कि नॉलेज लेने के लिए भी यू नीड टू गो टू समवेयर जिनको नॉलेज हो. तो ये क्वेश्चन खुद में ये एक आंसर है कि फिटनेस इंडस्ट्री में फिटनेस ट्रेनर्स का होना जरूरी है. दोज कैन गाइड यू इन योर बेसिक स्टेज कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, कौन सी चीज़ अवॉइड करनी है और किस नॉलेज को कैसे अप्लाई करना है. सो उस चीज़ के लिए फिटनेस ट्रेनर्स की ज़रूरत होती है, बिकॉज आज की डेट में बहुत सारी एक्सरसाइज, बहुत सारी नॉलेज अवेलेबल है और पीपल इसी चीज़ में कन्फ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी चीज़ अप्लाई करनी है, कैसे अप्लाई करनी है और उससे रिजल्ट कैसे निकालना है. सो इसलिए आपको फिटनेस ट्रेनर की जरूरत पड़ेगी. एक स्टेज आती है जब आप कॉन्टिन्यूसली 1 ईयर या फिर उससे ज़्यादा का टाइम खुद को फिटनेस इंडस्ट्री में दे देते हो, देन यू गो टू नो अबाउट योर सेल्फ. आपको अपने बॉडी के बारे में पता लग जाता है कि आपकी बॉडी में ऐसी क्या चीज़ें जिन पे आपको काम करना, आप कैसा कौन सा एरिया, चाहे वो डाइट से रिलेटेड हो, चाहे फिर वो ओवरऑल न्यूट्रिशन से रिलेटेड हो, ऐसा कौन सा एरिया जिनको आपको स्पेसिफिक ध्यान देना है, एक्सरसाइज से रिलेटेड हो. तो वो आप 1 साल के बाद या कुछ टाइम के बाद जान जाते हो खुद को, और उसके बाद आप वो चीज़ खुद से कर सकते हो. बट इन द बिगिनिंग एवरीबडी नीड अ फिटनेस ट्रेनर. आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन दैट या फिटनेस इंडस्ट्री इज़ नो स्कैम, यू नीड इट बिकॉज यू वांट टू गेट गुड रिजल्ट विदाउट हैविंग एनी साइड इफेक्ट्स एंड इन अ मिनिमम टाइम, इन अ मिनिमम स्पैन ऑफ टाइम, यू जस्ट वांट टू गेट गुड रिजल्ट्स, दैट्स व्हाई यू नीड फिटनेस ट्रेनर. एंड क्वेश्चन नंबर 2, क्रीम पाउडर और सप्लीमेंट जो मार्केट में अवेलेबल है, क्या वो सेफ है? सेकंड क्वेश्चन इज दिस, आई एम सेइंग समथिंग टू यू, देन यू जस्ट नीड टू कंसीडर दोज पॉइंट्स एंड यू
need to come up with some scientific and valid reason. Instead of just saying anything, you just need to know that what's their perspective to choose that what would be better answer to say. So question ये था, I was saying कि मेरी रूटीन इतनी ज़्यादा बिजी हो रही है that I didn't get time to eat and like I can't eat that much that I can get myself proper nutrition. So I'm thinking that I should take a protein powder. लोग सब सोच सकते हो कि इंडियन सोसाइटी है तो रिजल्ट like कैसा आंसर मिला होगा, जो सबके साथ होता है कि यू डोंट नीड एनीथिंग. क्योंकि सबसे बड़ी बात जो मिथ है प्रोटीन पाउडर, अभी तो मैंने स्पेसिफिकली प्रोटीन पाउडर को मेंशन किया है कि अगर आप प्रोटीन पाउडर लेते हो तो आपकी किडनीज ख़राब हो जाएंगी, या फिर अगर आप गर्ल्स के लिए इसमें बोला है तो आपको फ्यूचर में कंसीव करने में दिक्कत हो सकती है या फिर कोई डैमेज हो सकता है. तो इसलिए मतलब दे आर सेइंग नो, यू डोंट नीड टू टेक इट. वन मिथ दैट आई वांट टू क्लियर दैट इफ यू आर चूजिंग good protein powder, good quality, good brand protein powder, then you don't need to worry कि आपको protein कि वो आपकी kidney damage कर देंगे, आपके liver पे ऐसा कोई side effect आएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है. good if you're taking notes of good quality things, then it will definitely gonna to damage your organs. लेकिन अगर आप like you're taking its you're checking its ingredient, you're checking its quality and all, अगर आप उसके बाद आप कवर कर रहे हो, अगर उसके बाद आप कोई चीज़ चूज़ कर रहे हो, देन इट्स गुड टू हैव. मैं अपने बारे में बता देती हूँ कि व्हाई आई एम हेयर. सो इट्स बीन फॉर मी, इट्स बीन अ 4 year इन दिस इंडस्ट्री एंड आई स्टार्टेड एज अ स्टूडेंट ऑफ मार्शल आर्ट. मैंने स्टार्ट किया था एज अ कोर्स लाइक यू नो आई वॉज लाइक क्यूरियस टू नो कि मार्शल आर्ट में मेरे को पहले से जाना था एंड आई वॉज एट दैट प्लेस वहाँ पे मार्शल आर्ट नहीं था. तो जब भी थोड़ा सा एक्सपोजर मिला, मेरे को मौका मिला, आई जस्ट गॉट इनटू इट एंड आई जस्ट वांट टू डू इट फॉर द सेल्फ डिफेंस, फॉर द सेक ऑफ सेल्फ डिफेंस. दैट्स व्हाई आई एम एंड आई एम स्टिल हेयर इन दिस. आई एम जस्ट अटैच टू मार्शल आर्ट फॉर द सेम बिकॉज आई वॉन्ट अदर्स टू बी सेल्फ डिपेंडेंट. आई वॉन्ट गर्ल्स टू बी दैट मच स्ट्रॉन्ग दैट एटलीस्ट दे कैन प्रोटेक्ट देमसेल्फ. इफ यू कांट प्रोटेक्ट समवन एल्स देन इट्स कंप्लीटली फाइन दैट, बट यू नीड टू बी दैट मच स्ट्रॉन्ग दैट यू कैन प्रोटेक्ट योर सेल्फ. और प्रोटेक्शन में बहुत सारी चीज़ें आती है, वी विल डिस्कस इट इन लेटर ऑन. बट एट दिस स्टेज आई एम सेइंग दैट जब मैंने मास्टर आर्ट शुरू किया था तो आई वॉज समवन दोज आर प्योर वेजिटेरियन, यू नो दोज आर नॉट ईटिंग एग्स, नॉट नॉन वेज. तो मेरे लिए सबसे बड़ी जो क्वेश्चन मार्क था वो ये था कि हाउ डू आई कम्प्लीट माई प्रोटीन रिक्वायरमेंट. एंड मार्शल आर्ट इज सच अ टफ थिंग, इट्स नॉट अ ईजी. न्यू माई मेंटर्स लाइक देर वॉज माई कोचेज जो दोज आर प्योर वेजिटेरियन, दे डोंट इवन ईट एग. सो दैट्स द मोटिवेशन फॉर मी. दैट्स वाई आई कैन से यू दैट इफ यू आर प्योर वेजिटेरियन स्टिल यू कैन कम्प्लीट योर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट बाई योर सेल्फ. बट यू नीड टू चेक फास्ट अगर किसी चीज़ की लाइक इफ़ यू आर नॉट ईटिंग नॉन वेज और उसकी वजह से यू आर गेटिंग लाइक योर बॉडी इज गेटिंग अफेक्टेड ड्यू टू दैट, देन यू नीड टू ऐड दो सप्लीमेंट आर्टिफिशियल. देर आर लाइक दे आर अवेलेबल इन द मार्केट, यू कैन टेक दैम, देर इज़ नो इशू विद दैट. बट इफ़ योर बॉडी फंक्शनिंग नॉर्मल एंड देर इज़ नो साइड इफेक्ट बिकॉज ऑफ दैट एंड देर इज़ नो इशूज यू आर फेसिंग, देन cool for you. Don't need to go for them. Like me, it's been like properly 4 years that I'm into proper for fitness industry. I'm into martial art and doing fitness related stuff. So it's difficult for me. Like I choose that I wouldn't eat egg. एंड देर वॉज अ फिटनेस इंडस्ट्री और जहाँ पर हम थे मार्शल आर्ट में, वहाँ पर तो ये चीज़ मैंडेटरी कि अगर आप फिटनेस में हो तो आपको अपना रिक्वायरमेंट कम्प्लीट करना है. यू नीड टू ईट एग, यू नीड टू लाइक स्टे हेल्दी, यू नीड टू ईट समथिंग. इफ आर नॉट ईटिंग नॉन वेज एंड यू शुड ईट एग, बट देर इज नो कंपल्शन लाइक दैट बिकॉज आई वॉज कम्प्लीटिंग माई दैट रिक्वायरमेंट थ्रू नेचुरल सप्लीमेंट. There was different form of proteinaceous food that you can have. You can choose like there are different form that you can choose if you want to stay active. There you even I can say that you have heard about vegan diet.
That's totally plant waste diet. They are not even using your milk or dairy product. और वो तो आज की डेट में कंट्रोवर्शियल टॉपिक है ये, क्या आज की डेट में आप मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट को कंज्यूम कर सकते हो, उसके पीछे भी एडल्ट्री का रीज़न है एंड हमारा लाइक सिस्टम, हमारा बॉडी का फंक्शनिंग थोड़ा सा ऑल्टर हो चुका है, जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि हमारी बॉडी उतनी सुटेबल नहीं हुई है कि आप लाइक हमारी बॉडी अब उस लाइक नहीं रही कि अब दूध दही को उतने ज़्यादा लाइक जैसे हमारे पुराने ज़माने के, मतलब जैसे हमारे घर वाले हमें बोलते हैं कि आप दूध पियो, दही पियो, घर की चीज़ें खाओ, तो आपको आर्टिफिशियली कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है। इवन समटाइम जैसे यू डोंट नीड पीनट बटर, गाइस पीनट बटर इज़ अ गुड, पीनट बटर इज़ अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, बट यू नीड टू चेक कि उसमें शुगर शुगर नहीं होना चाहिए। मार्केट में बहुत सारे पीनट बटर के ब्रांड हैं जिन्हें भर भर के शुगर डाला जाता है, तो आपको ये ध्यान रखना है जब भी आप पीनट बटर चूज़ कर रहे हो, स्टे विदाउट शुगर, लाइक चूज़ दैट प्रोडक्ट दैट वुड कंटेन लाइक नो शुगर एंड जस्ट चेक इट्स इन्ग्रीडियंट्स, इज इट सूटेबल फॉर यू और नॉट, देन चूज़ योर पीनट बटर टू। सो वी आर कवरिंग टू टॉपिक्स टूडे, लाइक हु नीड फिटनेस ट्रेनर एंड वाई नीड फिटनेस ट्रेनर, सेकेंड वन इज कैन यू कम्प्लीट योर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट थ्रू योर होममेड फूड और नॉट, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट यू जस्ट नीड टू बैलेंस योर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, कार्ब्स प्रोटीन एंड फाइबर रिक्वायरमेंट, फाइबर एंड जो माइक्रो न्यूट्रिएंट, अगर आप उनको बैलेंस करना चाहते हो तो यू डोंट नीड टू गो फॉर लाइक आर्टिफिशियल। या आई एम सेइंग दिस थिंग बिकॉज आई विल रिवील वन थिंग अबाउट मी दैट आई एम अ मार्शल आर्ट स्टूडेंट एंड आई, बिकॉज दिस इज वैलिड पॉइंट, दे आर नॉट सेइंग रॉन्ग, नॉट एग्जैक्टली रॉन्ग, उनका एक पॉइंट सही है कि अगर आप अपना न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट नेचुरली कवर कर सकते हो देन यू डोंट नीड टू गो फॉर दैट आर्टिफिशियल सप्लीमेंट्स, बट देयर इज आल्सो अ क्वेश्चन मार्क, इफ यू कांट कंप्लीट योर रिक्वायरमेंट थ्रू नेचुरल फूड देन यू कैन चूज आर्टिफिशियल वन, देयर इज फ्यू प्रोडक्ट दोज आर लाइक सेफ टू यूज and you can use them like there is no issue with them, so instead of just starving yourself you just need to have a better idea and have a good idea that what should be best for you, what would be best for you, you don't need to think about that that you should choose or not, so that's the first thing that I want to clear, and secondly the isi mein second question tha ki ha aap apni nutritional requirement घर के बने खाने से और आपके आसपास जो भी रिसोर्सेज आपके पास पर जो भी चीज़ें आप उनको खाने से अपनी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हो, यू डोंट नीड टू गो फॉर आर्टिफिशियल प्रोटीन पाउडर, लाइक अगर आप एक नॉन वेजिटेरियन हो तो आपके लिए तो बहुत आसान है एक लाइक योर प्रोटीन रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करना, बिकॉज कार्ब्स हमारे कवर हो जाते हैं, फाइबर्स हो जाता है, लेकिन जो मोस्ट डिफिकल्ट चीज़ होती है जिसकी रिक्वायरमेंट कंप्लीट लाइक जिसके रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना होता है वो होता है प्रोटीन। ये दो बेसिक क्वेश्चन हमने इस वीडियो में कवर किए हैं, डू वी नीड फिटनेस ट्रेनर फर्स्ट, सेकेंड क्वेश्चन कैन वी कंप्लीट न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट नेचुरली और वी जस्ट नीड टू ऐड आर्टिफिशियल सप्लीमेंट, एंड वी कवर दोज थिंग्स in this video and that's all। अगर आपका भी इसी टॉपिक से रिलेटेड कोई और क्वेश्चन है जिसका अगर आप डिस्कशन चाहते हो, सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन दैट यू वांट टू डिस्कस ऑन दिस टॉपिक एंड यू वांट टू इलेबोरेट दैट टॉपिक मोर एंड आई विल ट्राई टू कवर दैट टॉपिक। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो डू सब्सक्राइब माय चैनल नाउ एंड प्रेस दैट बेल आइकन सो दैट यू विल गेट नोटिफिकेशन फॉर अपकमिंग वीडियो। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्रेस दैट लाइक बटन, इससे मेरे को मोटिवेशन मिलेगी। ऑन इंस्टाग्राम फॉर डेली अपडेट्स अबाउट डॉट राजपूत डॉट 75 इज़ माई यूज़र ID एंड यू कैन ज्वाइन माई लाइव क्लासेज, इफ यू वॉन्ट टू ज्वाइन जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन दैट यू वॉन्ट टू ज्वाइन। दैट्स ऑल फॉर टूडेज़ वीडियो, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।